वार्ड 39 चंद्रशेखर आजाद नगर नंदिनी रोड की पार्षद एवं एमआईसी सदस्य श्रीमती रीता सिंगेरा, जिन्होंने 3 दिन पूर्व विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शारदापारा बैकुंठ धाम में महिला सम्मेलन का आयोजन कर समाज में बदलाव के उद्देश्य से काम कर रही नारी शक्ति को सम्मानित कर भिलाई की राजनीतिक फिजा में हलचल मचा दी थी। एमआईसी मेंबर व महिला सशक्तिकरण संगठन की संस्थापक श्रीमती रीता सिंगेरा ने ग्रैंड एशिया न्यूज से चर्चा करते हुए राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की, आइए देखें उसकी झलकियां। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहिन खान। इस खास कार्यक्रम में आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं रीता सिंगेरा मैडम को। वार्ड 39 की वो पार्षद हैं, एमआईसी मेंबर हैं, साथ ही महिला सशक्तिकरण टीम को वो लीड करती हैं और महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य करती हैं। हम उनसे वार्ड विकास को लेकर, उनके क्षेत्र को लेकर और ये जो वैशाली नगर क्षेत्र में भी सक्रिय हैं उसे लेकर भी हम उनसे चर्चा करने चाहेंगे। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को अपना नाम बताना चाहती हूँ कि मैं रीता सिंगेरा, वार्ड 39 पार्षद, एमआईसी मेंबर हूँ और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हूँ और महिलाओं के हित में काम करती हूँ। महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं के जो भी काम हो, किसी से बोल नहीं पाती वो काम मैं करती हूँ, वो मुझसे खुल के बात करती हैं और मुझसे बात करने वो मेरे ऑफिस तक आती है और मैं उनके कार्य को समझती हूँ और उस कार्य को आगे उनको मदद करती हूँ। वार्ड 39 पटरी पार ये क्षेत्र विकास को लेकर काफी अछूता रहा है और ऐसे में आपने यहाँ के विकास कार्यों को लेकर जब से पार्षद पद संभाली है कभी सक्रिय रही हैं आप, बताएंगे किस तरह के विकास यहाँ आपके पार्षद बनने के बाद किए गए? मेरे पार्षद बनने के बाद मैंने यहाँ पे जो हमारा वार्ड था, वार्ड 39, वहाँ सबसे पहले मैंने गेट देखा, गेट टूट रहा था। विगत 50 सालों से जब मैं छोटी थी तब से वो गेट बना नहीं था, तो मुझे लगा कि इस गेट को सबसे पहले बनवाना चाहिए। विकास कार्य में हमने सबसे पहले अपना गेट बनवाया, फिर दो डोम शेड बने, बस स्टैंड बने, रोड बनी, नाली बनी, चर्च बने, सब जगह वहाँ विकास की गंगा बही और इसमें माननीय देवेंद्र यादव जी, विधायक जी ने भी हमारा साथ दिया और हमें बहुत मतलब हमारा सपोर्ट किया उन्होंने। ये क्षेत्र काफी विकास के लिए इन्हें की बहुत ही इसके साथ में ऐसा रवैया देखा गया है कि लोगों का यहाँ पटरी पार क्षेत्र के लोगों का ये कहना भी आता है कि टाउनशिप के उस पार के लोगों की सुविधाएं और यहाँ के लोगों की सुविधाएं में काफी फर्क है। आपने ऐसी सुविधाएं कौन कौन सी मुहैया यहाँ पर वार्ड वासियों के लिए कराई? मैं यहाँ वार्ड वासियों के लिए वैशाली नगर विधानसभा में एक गार्डन, लोगों की डिमांड थी, मैं जिस वार्ड में रहती हूँ उन लोगों ने मेरे से डिमांड की थी कि गार्डन बनाया जाए। हमारे वैशाली नगर क्षेत्र में कोई भी एक ऐसा गार्डन नहीं है जहाँ बच्चे खेल पाए। मैंने उसके लिए महापौर जी से बात की, महापौर जी ने यहाँ पे गार्डन का प्रस्ताव दिया, हमने प्रस्ताव दिया, उन्होंने पास किया और वैशाली नगर विधानसभा में हमारे महापौर जी नीरज पाल जी बहुत काम कर रहे हैं और हमारे कलेक्टर साहब रोड का भी मैंने उनको दिया था, कलेक्टर साहब उन्होंने भी पास करके यहाँ रोड का पास हुआ है और बनेगी अब रोड और विकास की गंगा यहाँ भी बहेगी वैशाली नगर विधानसभा। मैडम, पिछले महीने की बात है, एक आपके वार्ड का एक मुद्दा था, मैटर था, बीएसपी कर्मी के साथ जो हुआ, उसके बाद आपका और आपके टीम का, आप वहां पर पूरी दल बल के साथ गई, उसको न्याय दिलाने में एक अपनी अहम भूमिका निभाई, किस तरह का मैटर था और उनके घर वालों को कैसा न्याय मिला? सबसे पहले वो मेरे वार्ड का मामला था, हमारे जो वार्ड में एक परिवार रहता था उनकी माता पहले ही खत्म हो चुकी थी, दो बच्चे हैं घर में और जो उनके मतलब पापा थे वो गए बीएसपी में रात में काम करने, वो वहाँ गिर गए या किसी प्रकार का जो भी हुआ उनके साथ हादसा हुआ, तो उन्होंने सुबह इनको खबर की, बच्चे वहाँ गए तो बच्चों ने मुझे खबर की पार्षद को, तो मैं गई, मैंने उनके घर पे जाके पूछा, उन्होंने बच्चों को मतलब गुमराह करने की कोशिश की ठेकेदार ने कि मतलब आप हमसे थोड़े पैसे दे के, 21,000 रुपये दे के मतलब आप मान जाओ और लाश घर में ले आओ और उसको जला दो, फिर हम देखते हैं, ESI से आपको पैसे मिलेंगे, इससे मिलेंगे। मैंने कहा नहीं, ठेकेदार को भी कुछ देना पड़ेगा, तो हमने उसके लिए मर्चुरी में जाके उसका PM रुकवाया और काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और धरना देना पड़ा। वार्ड की महिलाएं उसमें हमारे साथ थी, बहुत सारे पुरुष थे वार्ड के, हम लोग सब साथ में थे, हमने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया तो उसके तत्काल बाद उन्होंने 2,00,000 रुपये मुआवजा दिया, 50,000 रुपये नकद दिया और लड़के को उसमें नौकरी दी BSP में। पारिवारिक परिवेश में अगर हम देखें तो आपकी मम्मी काफी सक्रिय रही हैं, उनका एक योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी को, अपने नाम के लिए तो वो जानी जाती है साथ ही अपने कर्तव्यों के लिए जानी जाती है, क्या इसका आपको बेनिफिट मिलता है वार्ड के में रहते हुए और देखा जा रहा है लगातार आप सक्रिय हैं,
और विधानसभा क्षेत्र कहलाता है ये, तो क्या आपकी तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर के है? जी ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, मैं महिला सशक्तिकरण टीम के लिए काम करती हूँ। मेरी मम्मी महिला कांग्रेस सेवा दल की अध्यक्ष थी और मेरी मम्मी साडा सदस्य थी। मेरी मम्मी हमेशा राजनीति में, जब महिलाएं निकलती नहीं थी तब उन्होंने कांग्रेस का झंडा उठाया। विगत 50 सालों से हमारा परिवार कांग्रेस के लिए काम कर रहा है और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, उनके कार्यशैली को देख के मैं कांग्रेस में प्रवेश की और कांग्रेस में काम किया। और मेरे को उनकी योजनाएं, उनके काम करने का तरीका काफी प्रभावित करता था, इसलिए मैं आई। अन्यथा इतने दिन मैं नहीं आई थी, मम्मी की जगह पे मैं चाहती भी थी आना, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं था। लेकिन माननीय जब भूपेश बघेल जी आए और उनके मैंने कार्यशैली, कार्य करने के तरीके से मैं प्रभावित होकर इसमें आई। और मम्मी जी काफी, आप तो जानते ही हैं कि मम्मी का नाम आज मेरे को वार्ड में मम्मी के नाम से ही लोग मुझे जानते हैं और परिचय की मोहताज नहीं है मेरी मम्मी, और अब मैं भी नहीं हूँ, लेकिन उनका मेरे साथ बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है। क्योंकि मम्मी आपकी एक इस क्षेत्र की एक ऐसी महिला थी जो हर मुद्दे को, हर समस्या को प्रमुखता से उठाती थी। आप एक लंबा अंतराल प्रवेश करने में लगा दी कांग्रेस में, अब जो आपने यहाँ सक्रियता दिखाई है, लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय हो गई है, तो लोगों का कैसा साधुवाद करेंगे आप? मैं लोगों को सबसे पहले कहना चाहती हूँ, सभी महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण टीम के प्रतिनिधि टीम जो है, जो महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने, मैं उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आई। अन्यथा इतने समय मैं राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसे कुछ लोग हैं जो राजनीति में हमें दिख रहे हैं और वो इतना कार्य कर रहे हैं, हमारे काका इतना कार्य कर रहे हैं, तो मैं भी राजनीति में जाके मम्मी की जगह कुछ उनके साथ कुछ काम करूँ। कुछ वैशाली नगर विधानसभा, भिलाई नगर विधानसभा में मैं पार्षद भी हूँ और वैशाली नगर विधानसभा में भी मैं सक्रिय हूँ और भिलाई नगर विधानसभा में, और महिला सशक्तिकरण टीम मेरे वार्ड में भी है, मेरी सभी जगह है। मैं यहाँ पे भी, मेरी महिला टीम है जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है और मैं महिलाओं के साथ हमेशा, सुख दुख, थाने हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, जहाँ वो अपनी बात कहने से हिचकती है, डरती है, वो अपनी बात नहीं कह पाती है। मैंने देखा है कि उनके अंदर एक बहुत हिचक होती है अपनी बात कहने के लिए, तो मैं उनको समझाती हूँ कि डरो मत, कि डरो मत, मैं आपके साथ हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं थाने चल रही हूँ, चलिए आप डर क्यों रहे, हम साथ चलते हैं। ऐसा लोगों की झिझक को खत्म किया और मैंने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो भी योजनाएं, उनको समझाई कि आपको इतनी सारी योजनाएं मिली, आप इसका लाभ लो। और मैंने मजदूर कार्ड के लिए अपनी टीम बनाई, मजदूर कार्ड में वार्ड वार्ड में जाके मजदूर कार्ड बनाती हूँ, मदद बैंक चलाती हूँ, लोगों की मदद करती हूँ, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें मदद करती हूँ। और अपने मदद बैंक में मेरी आज कई हजार महिला मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और जो मेरा साथ देती हैं, और मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, सभी महिलाओं को जिन्होंने मेरे को इतना आगे बढ़ाया और मेरा भी हौसला अफजाई किया ताकि मैं भी इतना आगे बढ़ी, वो भी आगे बढ़ी, हम सब घर, वो घर से बाहर निकली, उनके अंदर एक ताकत पैदा हुई, एक नई ऊर्जा पैदा हुई और हमारी कांग्रेस पार्टी टीम सशक्त बनी उससे। मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी रीता सिंह गिरा, वार्ड 39 की पार्षद, अत्यंत वृद्धभाषी, सरल और सबकी मदद करने वाली। लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज।